हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रद्धा। आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेके के आज हम बनाने वाले बादाम के हलवा। तो देखिए, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, उससे ज़्यादा खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। बहुत ही झटपट से बन करके तैयार हो जाता है एकदम। ये हैवी और फेस्टिवल में भी बना सकते हैं आप, इसको किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं, व्रत में भी इनफैक्ट इसको बना करके तैयार कर सकते हैं। एयर टाइट डिब्बे में रख दीजिए, ये हफ्तों तक भी ख़राब नहीं होगा। बहुत ही इजी तरीके से टेस्टी सा बन करके तैयार है। बच्चे बादाम नहीं खाते तो उस तरह से इनको ये हलवा के फॉर्म में इनको खिला सकते हैं। आपके घर में बुजुर्ग हैं तो उनको भी इस तरह से दूध के साथ दीजिए, बहुत ही बढ़िया और लगेगा फ्रेंड्स। और बादाम तो बहुत ही बढ़िया हमारे हेल्थ के लिए, और अभी ठंड का टाइम है तो ठंड में तो बहुत ही बढ़िया लगता है। गर्म गर्म हलवा मिल जाए, मज़ा ही आ जाएगा फ्रेंड्स। आप ज़रूर ट्राई करिए। उम्मीद करते हैं आपको मेरे वीडियो अच्छे लगेंगे। तो फ्रेंड्स, अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेंगे। तो चलिए हम टेस्टी टेस्टी सा बादाम का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम ये आज ये बादाम का हलवा हम बनाएंगे। इसके लिए ये देखिए, ये मैंने बादाम को इस तरह से ओवरनाइट के लिए हमने सोक करने के लिए रख दिए थे। इस तरह से आप ये ओवरनाइट सोक करेंगे तो बहुत ही बढ़िया, इस तरह से ये छिलका भी निकल जाएगा और बढ़िया रहेगा। आपको अगर जल्दी है तो आप इसको डायरेक्ट इसको गर्म पानी में इसको उबाल सकते हैं, पर मैं एक बार सोक कर लूँगी फिर उसको गर्म पानी में डालूँगी। तो इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है पहले इसको हम निकाल देते हैं। आप इसको 2 घंटे के लिए भी भिगा सकते हैं, पर ओवरनाइट भिगाएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और अभी चाहे तो छिलका भी आप देख सकते हैं, छिलका भी इस तरह से निकल जाएगा, बट थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये छिलका भी अपने आप इस तरह से हम ये, पर हमें इसमें इसको हाथ से नाखून लगा के इसको नहीं छीलना है। तो मैं आपको इजी तरीका बताऊंगी इसको छीलने का। तो अब हम इसका पहले पूरा पानी निकाल ले रहे हैं। तो ये देखिए, हमने सारा पानी इसका निकाल लिया है। ये बादाम हमने इस तरह से 2 कप ये ले लिए हैं। मैं आपको कप से मेजरमेंट बता रही हूँ, घर का कोई भी आप कटोरी कप कुछ भी सेट कर सकते हैं सेम मेजरमेंट के लिए। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। अब ये देखिए, गैस में हमने इस तरह से कढ़ाई में पानी रख ली थी, तो आप देख सकते हैं इसमें से पानी भी अच्छा गर्म हो गया है। और अभी हम इसी गर्म पानी में ही ये बादाम को इसमें हम डाल देंगे। आप चाहें तो बादाम को इस तरह से बॉईल भी कर सकते हैं, बट इसको हम बॉईल नहीं करेंगे, बस गर्म पानी में इस तरह से 5 मिनट के लिए बस इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे, ताकि बादाम जल्दी से छिलका निकाल जाएगा। अगर हम इस तरह से करेंगे तो बादाम का छिलका जल्दी से इस तरह से रिमूव हो जाएगा। अगर आप बिना भिंगाए हुए डाल रहे हैं तो आपको करीबन 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा बादाम को बॉईल करना पड़ेगा, पर हम भिंगा के करें इसलिए बादाम का छिलका जल्दी से निकल भी जाएगा। तो बस इसको हम इस तरह से 1 से 2 मिनट के लिए ही बस अच्छे से गर्म कर लेते हैं। जब तक हमारा बादाम बॉयल हो रहा है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। हम इस तरह का एक सॉस पैन ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 कप ये भरकर चीनी। तो इसको हम डाल देते हैं। तो हमें इसको चाशनी बनानी है, मतलब तार वाली नहीं बनानी है, बस शुगर अच्छे से डिजोल्व करना है। ये हमने 1 कप चीनी ली, तो हम उतना ही पानी लेंगे जितना हम चीनी लिए हैं। अब हम उसी कप से मेजरमेंट करके सेम उतना ही हम ये पानी डालेंगे 1 कप। और मैं इसी में ही थोड़े से ये सेफ्रॉन के थ्रेड्स डालूंगी। अगर आपके पास नहीं है सेफ्रॉन तो आप इसमें कोई भी फूड कलर ऐड कर सकते हैं। अगर चाहे तो फूड कलर ना भी डाले, बिना सेफ्रॉन के भी बन सकता है ये, पर मुझे इस तरह से केसरिया कलर चाहिए इसलिए मैं सेफ्रॉन की थ्रेड डाली हूँ। अगर आपके पास ये सेफ्रॉन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं। अगर फूड कलर अवॉइड करना चाहते हैं तो बस सिंपली इस तरह से शुगर से चाशनी बना लीजिए। अब हम इसको गैस में रखेंगे। तो ये देखिए, बादाम में इस तरह से उबाल आ गई है। अब मैं गैस का फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और ये सारे बादाम को स्टेन कर लूँगी। अब हम इसको गैस में चढ़ा दिए हैं, अब हम इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने सारे बादाम के तरह से पानी निकाल दिए हैं। अब हम एक किचन टॉवल लेंगे। अब मैं ये किचन टॉवल ली और ये सारे हम ये इसमें बादाम डाल दे रहे हैं। और अब हम इस तरह से इसको इस तरह से प्रेस करेंगे ना, तो ये जो छिलके हैं इसके आराम से इस तरह से देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर हम इस तरह से प्रेस भी नहीं करेंगे ना, और हम बस इस तरह से हाथ से दबाएंगे, और इसके देख सकते कितने बढ़िया से ये छिलके भी निकल जाएंगे एकदम इजी तरीके से। बस इस तरह से हम ये दबाएंगे तो देखिए अपने आप ही ये निकल जा रहे हैं। और आप इसको रब भी करेंगे तब भी आराम से निकल जाएगा, बट अब हाथ से हल्का से बस इसको दबा लीजिए तो बड़े ही आसानी से ये सारे छिलके निकल जाएंगे। तो हम ये सारे छिलके निकाल लेते हैं बादाम से।
तो ये देखिए सारे हमने ये बादाम के पूरे छिलके को निकाल लिए। थोड़े से अगर इसमें किसी में छिलके अगर रह गए तो उसको भी आप इस तरह से अच्छे से निकाल लीजिए। तो मैं इसको एक दो रह गए हैं तो उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। अब हम एक मिक्सर का जार लेंगे। अब मैं ये छोटा वाला जार लूँगी और हम इसके लिए इसमें हम एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसको हम पीसेंगे। तो हमें इसको दरदरा पीसना है और इसमें हमें कोई भी पानी वानी कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो आपको ध्यान रखना जब भी आप ये बादाम पीसे तो छोटा वाला जार लीजिए, क्योंकि आपको एक साथ में पूरा नहीं डालेंगे तो थोड़ा इसमें दरदरापन रहेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये चिकना हो जाएगा। अगर हम एक साथ डाल देंगे तो हमें चलाने में भी टाइम लगेगा। तो मैं इसको कवर करके चला ले रही हूँ। तो ये देखिए ये हमने बादाम को पीस लिए, ये दरदरा है, बहुत ज़्यादा इसको हमने चिकना नहीं किया। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो सारे हम ये बादाम इसमें निकाल ले रहे हैं और बाकी का भी जो हमने रखे उसको भी हम पीस लेंगे। तो ये देखिए हमने सारे हमने बादाम को पीस लिए और कुछ चंक्स रह गए थे, तो इसको इस तरह से आप ये नाइफ से इस तरह से कट कर लीजिए। तो बस इसको हम कट कर ले रहे हैं। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो ये देखिए हमारी चाशनी भी तैयार हो गई है। मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। तो ये चाशनी भी अच्छे से शुगर डिजॉल्व होने के बाद इसको करीबन मैंने 5 मिनट के लिए और इसको मीडियम फ्लेम में पका लिए थे। अब इसको हम साइड में रख रहे हैं। अब हम गैस में इस जगह एक कढ़ाई ले लिए हैं। इसको आप स्टील की कढ़ाई में बनाइएगा, कोशिश करिएगा एल्युमिनियम की कढ़ाई ना यूज़ हो, या आप इसको लोहे की कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अब इसके लिए हम ये एक कप ये घी लिए हैं, तो हम ये घी पूरा डालेंगे। थोड़ा सा घी को हम बचा के रखेंगे ताकि हम बाद में डालें। बस घी को भी हम गर्म कर लेते हैं। अब ये घी गर्म हो गया, अब हम इसमें सारे ये अपने बादाम है इसको हम इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से भूनेंगे इसमें। ये देखिए थोड़े से चंक्स रह गए हैं, इसको मैं इस तरह से निकाल करके कट कर लूँगी। तो इसको हम अच्छे से भूनेंगे। फ्रेंड्स आप चाहें तो इसमें जब हम घी डाले थे तो उसके बाद आप इसमें करीबन 2 से 3 चम्मच इसमें आप गेहूं का आटा भी इसमें डाल सकते थे। तो मैं इसको व्रत के लिए बना रही इसलिए मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूं। अगर आप व्रत के लिए भी बना रहे हैं तो आप इसमें चाहें तो व्रत वाला आटा भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसमें कुछ भी चीज़ें ऐड नहीं करूँगी। मैं इसको डायरेक्ट ही बादाम से ही बना करके तैयार करूँगी। तो आप इसको गेहूं के आटे डालेंगे, अगर आप नॉर्मल टाइम में बना रहे हैं तो गेहूं का आटा डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये पूरा बादाम भी इस तरह से घी भी रिलीज़ नहीं करेगा। तो अभी आप देखिए धीरे धीरे हम इसे भूनते रहेंगे। तो उसको हमें अच्छे से भूनना है। गैस का फ्लेम को हमें इसको लो टू मीडियम रखे हैं, तो लो टू मीडियम फ्लेम में इसको हम करीबन 7 से 8 मिनट तक अच्छे से इसी तरह से बादाम को भूनेंगे। तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, इसमें आप चाहें तो जब आप घी डालें तब उसमें आप 2 से 3 चम्मच गेहूं का आटा डाल लीजिए और अच्छे से उसको भून लीजिए, उसके बाद ही आप इस तरह से बादाम डालिए, बहुत ही बढ़िया लगता है। बट मैं उसको व्रत के हिसाब से बना रही इसलिए मैं इसमें कोई भी चीज़ें ऐड नहीं कर रही हूँ जो हम व्रत में ना खा पाए। जो ट्रेडिशनली बादाम का हलवा बनता है उसमें गेहूं के आटे डाले जाते हैं, तो मैं व्रत के हिसाब से ही बना रही इसलिए मैं कुछ भी चीज़ें इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। तो बस इसको हम धीरे धीरे लगातार चलाते हुए इसको भूनेंगे भी। ये हलवा जो है खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बादाम तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, दिमाग को तेज भी करता है ये, और अभी विंटर का टाइम है तो आप इस तरह से बनाइए, आपके बॉडी में भी गर्माई भी देगी। आप इसको गर्मी में भी खा सकते हैं इनफैक्ट ये, बट आपको थोड़ी क्वांटिटी कम में खानी होगी। इस तरह से आप ये हलवा बना करके एयर टाइट डिब्बे में रख दीजिए, ये हफ्तों तक ये हलवा हमारा ख़राब नहीं होगा। जब भी इसको खाने का मन हो गर्म करिए, निकालिए और दूध ले लीजिए, कब बहुत ही बढ़िया लगेगा, उसके साथ ही बहुत बढ़िया लगेगा। अगर बच्चे बादाम नहीं खाते हैं तो इस तरह से उनको आप ये हलवा के फॉर्म में उनको खिलाइए, उनको भी अच्छा लगेगा। और बादाम तो हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। तो बस इसी तरह से धीरे धीरे हम इसको भूनते रहेंगे, बट आपको ध्यान रखना है गैस का फ्लेम को हाई ना करें, बिल्कुल इसको लो टू मीडियम फ्लेम में ही भूनिए। इसकी जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना ही हलवा में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। थोड़ा सा ये पेशेंस का काम होता है फ्रेंड्स, पर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया हलवा बन करके तैयार होगा। और जो थोड़ा सा हमने घी बचा के रखे हैं उसको भी हम अब इसमें डाल देते हैं और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसमें ही। तो बस धीरे धीरे चलाते हुए, तो आप ये देखिए धीरे धीरे आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो रहा है। और ये स्टील की कढ़ाई में बना रही हूँ, आप इसके लिए थोड़ी हैवी बॉटम वाली कढ़ाई ले लीजिए। मैंने एकदम बहुत ज़्यादा हैवी बॉटम वाली कढ़ाई नहीं ली है, पर ये मीडियम है ये, पर इसमें जलेगा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा ये नीचे चिपक रहा है, तो
तो मैं इसको चलाते हुए मैं इस तरह से निकालती भी जा रही हूँ। तो आप देखिए बादाम का भी कलर आप देख सकते हैं धीरे धीरे चेंज भी हो रहा है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं इसका कलर भी आप देखिए कितना बढ़िया से ये देखिए आप चेंज भी हो गया है। पहले पूरा बादाम इस तरह से वाइट था, अब आप देखिए कलर भी इसका चेंज हो गया। इसे मुझे भूनते हुए करीबन 10 मिनट हो गए फ्रेंड्स, बस हाथ भी दर्द होने लग गया। बट आपको भाई कुछ अच्छा खाना है तो मेहनत तो करना बनता ही है ना, और ये सब चीज़ें क्या होती है ना पेशेंस से ही बनती है। आराम से इसको बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होगा। अब बस अब हम इसको और नहीं भूनेंगे, इसका कलर भी बढ़िया आ गया है। अब हमने इस तरह से ये जो चाशनी तैयार करके रखी है इसको हम इसमें डालेंगे और पहले हम इसको मिला लेंगे। ये बहुत तेज़ से इसमें छीटे से आते हैं, धीरे धीरे इसको चढ़ाएंगे, एक साइड चढ़ाते भी रहेंगे, धीरे धीरे हम ये पानी इसमें डालते जाएंगे। अभी हम पूरा डाल दिए पानी इसमें और अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे, मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए अब ये लिक्विड फॉर्म में आ गया ना, अब ये धीरे धीरे ये सूखेगा। मैं गैस का फ्लेम को मीडियम में ही इसको पकाना है। अब मैं ना इसको इस तरह से थोड़ा सा खुला रखूँगी बहुत देर से, क्योंकि छींटे आ रहे हैं तो उसको अभी हम धीरे धीरे इसको सुखाएंगे। तो इस तरह से मैंने थोड़े से खुले रखे हैं, अब हम इसको खोल लेते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया धीरे धीरे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया गाढ़ा हो रहा है। इसको बस अब 3 से 4 मिनट और इसी तरह से चलाते हुए इसको गाढ़ा करेंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये देखिए सूख भी गया। अब इससे ज़्यादा हम इसको सुखाएंगे नहीं, ये ठंडा होने के बाद ऑलरेडी ये सूख भी जाएगा, तो बिल्कुल परफेक्ट है। मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। अब हम इसको निकालेंगे, तो मैं इस तरह से ये बोल में निकालूंगी। तो ये देख सकते कितना बढ़िया लग रहा है ये, और यकीन मानिए फ्रेंड्स खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप व्रत में भी बना करके खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगेगा और कुछ भी और भूख नहीं लगेगी। आप इस तरह से एक कटोरी हलवा खा लेंगे ना तो यकीन मानिए और कुछ खाने का मन नहीं करेगा। तो ये देखिए ये हमारा टेस्टी एकदम डिलीशियस बहुत ही ये एकदम बढ़िया बन करके तैयार हुआ है। ये एकदम सही तरीके से बन कर ये तैयार हुआ है, इसमें खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स। आप इसमें चाहे तो ऊपर से एक चम्मच घी डाल लीजिए, बट कोई ज़रूरत नहीं है, हमने बहुत ही इसमें घी डाल के बनाए हैं। बहुत ही टेस्टी डिलीशियस ये हमारा बादाम का हलवा बन करके तैयार हो गया। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियो पसंद आए हों। वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए। एक बार मैं आपके लिए फिर से नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। बाय बाय।